बिहार एनडीए की आज अहम बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में एनडीए के तमाम घटक दल के बड़े नेता मौजूद होंगे। इस बात की जानकारी बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने दिया। इसके साथ ही लगातार विपक्ष यानी कि लालू प्रसाद यादव व तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार में शराबबंदी पर उठाए जा रहे सवाल पर उन्होंने बड़ा हमला किया है। श्रवण कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। चार सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या तैयारी है सर? अभी तो एनडीए की बैठक आहूत है। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उसमें जा रहे हैं और जाने के बाद विस्तार से आप लोग को बताएंगे क्या है वहाँ पर। सर, विपक्ष कह रहा है बिहार में कि शराबबंदी कानून को खत्म करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए। नहीं, विपक्ष जब हम लोग के साथ आता है तो ये सवाल क्यों नहीं उठाता है? जब हम लोग से अलग हो जाता है, अब विपक्ष में चला जाता है तो उसको शराब नज़र आने लगता है। शराबबंदी यहाँ आने पर शराबबंदी चाहिए और वहाँ आने पर शराब खोलना चाहिए। लालू जी कह रहे हैं सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अब तो बिहार की जनता तय करती है ना कि सरकार है कि वो तो विपक्ष में है तो उनको क्या लगेगा, उनको तो अच्छा नहीं लगेगा। जब वो सरकार में थे तो लोगों को कितना अच्छा लगता था। उनके समय में बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, आज स्वाभिमान का विषय है तो लालू जी को कैसे पसंद आएगा? लालू जी को पसंद तब आएगा जब बिहारी कहलाना अपमान का विषय हो जाएगा, तो उनको पसंद आने लगेगा बिहार। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, श्रवण कुमार ने कहा है कि आज एनडीए की अहम बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है, खासकर चुनाव को लेकर के। जिस तरह से अभी बिहार में चार सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसके साथ ही झारखंड में विधानसभा चुनाव भी होना है, और इस तमाम मुद्दों के बाद जिस तरह से विपक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में की गई शराबबंदी का लगातार पूर्ण विरोध किया जा रहा है, उसको लेकर के श्रवण कुमार ने कहा है कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जब विपक्ष मेरे साथ होता है तो उन्हें ये मुद्दा नज़र नहीं आती है, लेकिन हमसे अलग होते ही उन्हें शराबबंदी का ये मुद्दा नज़र आता है। इसके साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर भी बड़ा हमला बोला है और कहा है लालू प्रसाद यादव को आज बिहार अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आज वो सत्ता में नहीं है। लेकिन जब वो सत्ता में होते हैं और जब बिहारियों का अपमान किया जाता है तो वो शायद उन्हें अच्छा लगता है। तो इस तरह से श्रवण कुमार ने लालू प्रसाद यादव व तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि जब जब उनकी सरकार समाप्त हो जाती है और विपक्ष में जाते हैं तो कई ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो सरकार में रहते हुए उन्हें अच्छा लगता है और सरकार से अलग होते ही उन्हें खराब लगने लगता है। लेकिन शराबबंदी का जो मुद्दा है वो आज बिहार ही नहीं पूरे देश में जाना जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो बिहार में शराबबंदी लागू की गई है वो महिलाओं कर खासकर महिलाओं के लिए कितना सही साबित हो रहा है। सहयोगी रीति के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शनी न्यूज, पटना।